श्री राम, जय जय राम, जय राम। सो दोस्तों, जैसे कि दैनिक जीवन में मनुष्य की जो वासनाएं अतृप्त रह जाती हैं अथवा अपूर्ण रह जाती हैं, वही स्वप्न रूप में येन केन प्रकारेण पूर्ति का आभास कराती हैं। सूर्योदय के कुछ पूर्व अथवा ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न का फल 10 दिनों में मिलता है। रात्रि के प्रथम प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 1 वर्ष के पश्चात मिलता है। रात्रि के दूसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 6 मास यानी कि 6 महीने के भीतर मिलता है। तृतीय प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 30 मास के बाद 3 महीने के बाद मिलता है। रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 1 मास में प्रकट होता है, जबकि दिन में देखे गए स्वप्न विश्वसनीय नहीं होते, यानी कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो होंगे ही होंगे सत्य। शुभ सांकेतिक स्वप्न देखने के पश्चात सोना नहीं चाहिए। यदि कोई अच्छा स्वप्न रात्रि में आ जाए तो उसके बाद सोना नहीं चाहिए। शेष रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए ताकि वो सत्य और शुभ हो और भगवान के चिंतन में वो समय बाकी का बिताना चाहिए, तथा किसी को अपना स्वप्न बताना भी नहीं चाहिए। इसके विपरीत अशुभ स्वप्न देखने के बाद फिर सो जाएं, तथा प्रातः काल यदि उस अशुभ स्वप्न की स्मृति ताजी रहे, यानी कि दोस्तों शुभ यदि सपना आता है तो उसके बाद सोना नहीं चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, और अगर अशुभ सपना आ जाए तो नींद खुलने के बाद में पुनः सो जाना चाहिए। और प्रातः काल यदि उस अशुभ स्वप्न की स्मृति अगर ताजी रह जाए या वो याद रहे तब भी सुबह तक, तो गुरुजनों को उसे बता देना चाहिए और अशुभ निवारण के लिए गायत्री पाठ करना चाहिए। शुभ स्वप्न को कभी किसी को न बताएं और अशुभ स्वप्न को सुबह उठते ही किसी अपने बड़े को बता देना चाहिए और उसके अशुभ के निवारण के लिए गायत्री पाठ, स्नान आदि, भगवान का नाम लेना चाहिए और या फिर दान पुण्य अनुष्ठादिक कार्यों का संपादन करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें जो है स्वप्न के लिए आप हमारे इस ज्योतिष पॉइंट पर, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट पर, एस्ट्रोलॉजी शास्त्र से बात कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9205574511, 8082074511 पर आप कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं और स्वप्न के फल को जान सकते हैं, या फिर अनुष्ठानिक आदि कार्यों के लिए, पूजा इत्यादि कार्यों के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं निसंकोच। और जन्म पत्री से संबंधित कोई भी कार्य के लिए या किसी कंसल्टेंसी के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं स्वप्न को अशुभ और शुभ फल जानने के लिए कि कौन कौन से सपनों का क्या फल हो सकता है। तो आइए जानते हैं। स्वप्न में दोस्तों अंगूठी पहनना धन लाभ व प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आम का वृक्ष देखना संतान सुख की प्राप्ति होती है। अतिथि स्वप्न में देखना आकस्मिक विपत्ति आना होता है। आकाश से गिरना मान हानि चिंता की प्राप्ति होना होता है। अर्थी को देखना रोग मुक्त हो जाना होता है। अग्नि देखना पित्त संबंधी रोग की प्राप्ति हो सकती है। अपने को मृत देखना आयु की वृद्धि होना होता है। आग जलाकर पकड़ना व्यर्थ व्यय हो जाना। आत्महत्या करना यानी कि दीर्घायु की प्राप्ति होना। ऑपरेशन देखना रोग के चिन्ह मिलना। अस्त्र शस्त्र देखना, वेपन्स आदि हथियार देखना, दुखों से निपटारा होना। इंद्रिय देखना अपने इंद्रिय, जनन इंद्रिय देखना यानी कि संतान की सुख की प्राप्ति होने वाली है। इम्तहान में फेल होना शुभ फल की प्राप्ति होती है। इमारत
बनाना, धन लाभ व तरक्की की प्राप्ति होती है। इंजन देखना, योजनाएं असफल होना होता है। इमली खाना पुत्र प्राप्ति होती है। इंद्रधनुष देखना, जीवन में परिवर्तन देखना। उल्लू देखना, रोग अथवा शोक की प्राप्ति होती है। उल्टा लटके देखना यानी कि अपमान मिलना। ऊंट देखना यानी कि अंग घात, किसी अंग का टूटना या कटना या फिर अंग पर चोट लगना हो सकता है। ऊंचाई पर चढ़ना यानी कि तरक्की व मान की प्राप्ति होना, प्रोग्रेस प्राप्त होना। ऐनक चश्मा गूगल्स देखना यानी कि निराशा की प्राप्ति होना। कैंची चलाना व्यर्थ में विवाद होना। कौवों को बोलते देखना यानी कि बुरा समाचार मिलने वाला है। कंघी करना यानी कि इच्छा पूर्ण हो जाना। काला नाग देखना स्वप्न में, राज्य का सम्मान, राज द्वारा सम्मान प्राप्त होना। किला देखना यानी कि तरक्की पाना। कोड़ी देखना रोग का सूचक होता है। कन्या देखना तीर्थ यात्रा की प्राप्ति होती है। कोयला देखना यानी व्यर्थ का झगड़ा हो जाना। कीचड़ में फंसना यानी कि कष्ट हो, व्यय हो जाना, धन का नाश हो जाना। कटा सिर देखना चिंता और परेशानी आने वाली है समझी। कुत्ता देखना यानी कि उत्तम मित्र प्राप्त हो सकता है। कढ़ाई करते देखना प्रेम या व्यापार में सफलता होती है। कबाब खाना यानी कि अपयश और विवाद होने वाला है। कब्रिस्तान देखना प्रतिष्ठा की वृद्धि होने वाली है, आपका नाम फेम बढ़ने वाला है। खून करना, किसी का मर्डर खून करना यानी कि संकट आने वाला है। खिलौना देखना सुख की शांति, सुख और शांति की प्राप्ति होने वाली है। खेत देखना यानी कि संकट पूर्ण हो जाना। खरगोश देखना स्त्री से मिलाप होने वाला है। गुरु देखना यानी कि कार्य की सफलता होने वाली है। गोबर देखना पशु लाभ होने वाला है। गंगा मैया को देखना शेष जीवन सुखी होने की संभावना बनती है। स्वप्न में ग्रहण देखना रोग व चिंता का विषय हो जाता है। गोली चलते देखना विपत्ति निवारण होता है। गुलाब देखना मनोकामना पूर्ण होना होता है। गरीबी देखना यानी कि सुख और समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। गर्भपात यानी कि गंभीर रोग प्राप्त होने वाला है। घोड़े से गिरना यानी कि परेशानी और चिंता आने वाली है। घाट पर नहाना यानी कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। घायल को देखना संकट से मुक्ति होना। घर बनाना प्रसिद्धि प्राप्त होना। घड़ी देखना यात्रा का संकेत मिलना। घोड़े पर बैठना सफलता का सूचक होता है। चोट लगना स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। चावल खाना शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। चोर को देखना धन की प्राप्ति होती है। चांदी के जेवर को देखना यानी कि संबंध में विच्छेद होना, किसी संबंध टूट जाना। चौकीदार देखना धनागम का संकेत होता है। चीखे मारते हुए देखना या चीखे मारना परेशानी व कष्ट की प्राप्ति होने वाली है। चुनरी देखना सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। छुरी चाकू देखना परिवार से वाद विवाद होने वाला है। छिपकली देखना अचानक धन लाभ होता है। छींकना कार्य में बाधा आने वाली है। छाता देखना चिंताओं से छुटकारा मिलने वाला है। छटनी देखना पदोन्नति, जख्म देखना परेशानी। जादूगर देखना अशुभ लक्षण होता है। जहाज देखना परेशानी दूर हो जाना होता है। जिंदा जलना यानी कि धन की प्राप्ति होने वाली है। जल देखना मान और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। ज्वर यानी कि बुखार पीड़ा देखना स्वस्थ ठीक होना होता है। जुआ खेलना स्वप्न में ही देखा है तो धन की हानि होने वाली है। जेब काटना यानी कि धन हानि होने वाली है। जनाजा देखना किसी का धन लाभ व तरक्की की प्राप्ति होती है। झगड़ा देखना प्रसन्नता मिलने वाली है। झाड़ू देखना नुकसान होना होता है। झंडा देखना सुयश और धन का लाभ होने वाला है। झांकी देखना अशुभ समाचार मिलने वाला है। झोपड़ी देखना सुरक्षा का सूचक होता है। झरना देखना दुख दूर हो जाना होता है। टाट देखना सम्मानजनक स्थिति की प्राप्ति होने वाली है। टेलीफोन देखना शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। टापू देखना संकट लक्षण प्राप्त होने वाले हैं। टोपी देखना प्रगति की प्राप्ति होती है। ठग मिलना धन हानि होती है। ठिठुरना उज्जवल भविष्य की प्राप्ति होने वाली है। डॉक्टर देखना रोग उत्पत्ति होने वाली है। धूप
उगते हुए किसी को देखना यानी कि कठिनाइयों का सामना होने वाला है। डोली देखना कोई परेशानी हो सकती है। डाकिया देखना समाचार प्राप्त हो सकता है। डाकू देखना धन की हानि। ढोल बजाना किसी व्यक्ति से भेंट होने वाली है। तलवार चलाना शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी। तपस्वी को देखना आत्म उन्नति होने वाली है। तैरते देखना आयु में वृद्धि होती है। तर्पण करते देखना मृत्यु की का सूचना है। तारे देखना तर्पण देखते किसी का तर्पण या श्राद्ध करते हुए देखें तो समझे मृत्यु की सूचना आने वाली है या फिर मृत्यु की सूचना आपको प्राप्त होने वाली है। तारे देखना मनोरथ की सिद्धि होने वाली है। तूफान देखना परेशानी बढ़ने वाली है। तीर्थ यात्रा धार्मिक खींच होने वाली है। तोता देखना धन का लाभ होता है। स्वप्न में तलाक होते देखना यानी कि दाम्पत्य सुख में बाधा आने वाली है। तरक्की होते देखना योजनाओं में सफलता प्राप्त होने वाली है। तराजू देखना व्यापार का लाभ होने वाला है। ताश खेलना व्यापार लाभ होने वाला है। ताला बंद देखना कार्यों में रुकावट होना होता है। तरबूज देखना परेशानी का सूचक होता है। थूक देखना परेशानी बढ़ने वाली है। थप्पड़ मारना यानी कि कलह कलेश होने वाला है। थप्पड़ खाना शुभ होता है। दूध पीना खुशी की प्राप्ति होने वाली है। दरवाजा बंद देखना परेशानियां अचानक से उत्पन्न हो जाना। दान करना शुभ होता है। दर्जी को देखना काम बिगड़ना होता है। दांत गिरते देखना दुख एवं झंझट की प्राप्ति होने वाली है। दलदल देखना व्यर्थ की चिंता बढ़ने वाली है। दवाई पीना रोग नाश होने वाला है। दुकान भरी देखना धन लाभ होता है। दुकान खाली देखना धन हानि होती है। देवी देवता देखना खुशी प्राप्ति होती है। दरिया में नहाना रोग नाश होने वाला है। दीवार गिरना हानि धन हानि होती है। दाह संस्कार किसी का देखना स्वप्न में यानी कि दीर्घायु होना होता है। धन देखना धन की प्राप्ति होती है। धूल देखना यात्रा पड़ने वाली है यात्रा होने वाली है। धमकी देना शत्रु पर विजय की प्राप्ति होना। धार्मिक कार्य परिवार की सुख की समृद्धि होती है। धोबी को देखना सफलता होता है। धुआं देखना कार्य में विघ्नता की प्राप्ति होने वाली है। धूप देखना पदोन्नति लाभ होता है। नदी में गिरना फिक्र चिंता होना होता है। नंगा देखना कष्ट की प्राप्ति होती है। नदी का पानी पीना राज्य से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। न्यायालय देखना झगड़े में सफलता की प्राप्ति होना होता है। नदी देखना आकांक्षा पूर्ति होना होता है। नव यौवना को देखना प्रेम संबंध की प्राप्ति होती है। नाखून काटना रोग से मुक्ति होना होता है। नाव में बैठना झूठा आरोप लगना होता है। नाग देखना सुख प्राप्ति की आशा होती है। नृत्य डांस करते हुए किसी को देखें तो धन की प्राप्ति होती है। प्यासा होना खुद प्यासा होना या प्यासे को देखना कार्य से में बाधा होती है। पुल देखना शुभ यात्रा हो सकती है। परछाई देखना अशुभ होना होता है। पशु देखना व्यापार में लाभ होना। पहाड़ देखना उन्नति का सूचक होता है। पान खाना प्रिया से मिलाप होता है। परीक्षा देते देखना असफलता की प्राप्ति होती है। पहलवान देखना स्वास्थ्य लाभ होता है। पपीता देखना धन लाभ होता है। पुजारी देखना उन्नति का संकेत होता है। पूर्वज देखना शुभ फल प्राप्ति होती है। पखाना करना कष्ट मिलना होता है। पानी बरसते देखना शुभ कारक होता है। पिंजरे में पक्षी देखना सुख की प्राप्ति होती है। पगड़ी देखना प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है। प्रणय संबंध देखना दंपत्य सुख की प्राप्ति होती है। प्रेत देखना सौभाग्य वर्धक होता है। फुलवाड़ी देखना खुशी मिलना होता है। फव्वारा देखना जल का फव्वारा देखना चिंता दूर हो जाना होता है। फेल हो जाना परीक्षा में तो समझिए सफलता का सूचक है। फकीर देखना शुभ फलदायी होता है। बहन को देखना सौभाग्य की वृद्धि होती है। बकरी देखना शुभ यात्रा लाभ होता है। बूढ़ी स्त्री देखना दुख की प्राप्ति होती है। बाघ को देखना सुख मिलना होता है। दोस्तों यहीं पर स्वप्न में बाढ़ को देखना धन की हानि होती है। बिच्छू को देखना चिंता कारक होता है। बारिश देखना रोग व कला की प्राप्ति होती है। बंदूक वेपन्स देखना संकट आने वाला है। बिल्ली देखना लड़ाई के चिन्ह होते हैं।
बाजार देखना दरिद्रता का सूचक होता है। बर्फ देखना प्रिया से मिलाप होता है। बारात देखना चिंता व परेशानी वाला विषय है। भूकंप को देखना संतान कष्ट होने वाला है। भाषण देना या सुनना वाद और विवाद का सूचक है। भूखा देखना स्वयं को यानी कि यात्रा में लाभ होने वाला है। भिखारी को देखना यानी कि यात्रा होने वाली है। मिठाई खाना मान व तरक्की की प्राप्ति होने वाली है। मुर्दे के साथ खाना यानी कि दूर दुख दूर हो जाना, यानी कि मुर्दे के साथ स्वयं को खाना खाते देखें समझो अनेक प्रकार के दुख जो है दूर होने वाले हैं। मुर्दे से बात करना यानी कि मुराद पूरी होना। मछली देखना धन व स्त्री प्राप्त होना। मोर देखना खुशी प्राप्ति होना। महल देखना कष्ट से छुटकारा मिलना। माली देखना खुशी मिलना। मुर्दे हंसते हुए देखना फिक्र व चिंता हो जाना। मृत्यु देखना यानी कि भाग्योदय होने वाला है। मुंडन करवाना यानी कि सुखी गृहस्थी प्राप्त होने वाली है। मंदिर देखना इच्छा पूर्ण हो जाना होता है। आत्मा महात्मा देखना धन की प्राप्ति होती है। यात्रा करना यात्रा द्वारा धन लाभ होता है। यज्ञ देखना सौभाग्य सूचक होता है। युद्ध देखना सफलता के संकेत होते हैं। यम को यमराज को देखना यम के दूतों को देखना आयु की वृद्धि होती है। रोटी खाना इच्छा पूर्ण हो जाना होता है। रोते हुए देखना प्रसन्नता का प्रतीक होता है। रोगी को देखना दुख निवृत्ति होती है। रसोई घर देखना धन धान्य का प्रतीक होता है। रेल देखना कष्टकारी यात्रा होने वाली है। राख देखना सफलता की प्राप्ति होने वाली है। रेत पर चलना शत्रु से हानि होती है। रिश्वत लेना अपमान हो सकता है। राक्षस देखना कष्ट से छुटकारा मिलना होता है। रखेल देखना संतान कष्ट होने वाला है। लकड़ी उठाना देखना अकारण विवाद झगड़ा हो सकता है। लोहा देखना स्वास्थ्य हानि होती है। लॉटरी का टिकट सौभाग्य पद होता है। लंगर देखना धन संपदा वृद्धि। विष खाना परेशानी बढ़ने वाली है। वृक्ष को काटना धन की हानि समझिए। विदाई देखना धन वृद्धि होती है। वध दिखाई देना आकस्मिक विपत्ति। वध यानी कि किसी को मारना या मारते देखना अनेक प्रकार की विपत्ति का सूचक होता है। विवाह को देखना दुर्भाग्य का सूचक होता है। विधवा देखना हानि लाभ होता है। विदेश यात्रा देखना पारिवारिक विवाद होने वाला है। वर्षगांठ मनाना आयु में कमी होती है। वर्षा देखना मान सम्मान का सूचक होता है। विमान देखना सौभाग्य का सूचक होता है। शेर देखना शत्रुनाश होता है। शीशा देखना रोग नाश होने वाला है। शत्रु देखना सफलता होना प्राप्त होता है। शव देखना शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। श्राद्ध करना पितरों की प्रसन्नता होने वाली है। शिकार करना पारिवारिक कष्ट होने वाला है। शिशु देखना सुखी दाम्पत्य को जीवन प्राप्त होने वाला है। शोक समूह देखना आनंद का प्रतीक होता है। शमशान घाट देखना दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शराब पीना वाद और विवाद होता है। सांप देखना पकड़ना शत्रु पर विजय की प्राप्ति समझिए। सागर देखना धन की वृद्धि होती है। सुंदरी किसी सुंदरी को देखना धन लाभ की प्राप्ति होती है। स्टेशन देखना यात्रा शुभ होना होता है। सेहरा देखना यानी कि सेहरा पगड़ी देखना ग्रह कलेश की उत्पत्ति का कारक होता है। सुंदर वस्त्र को देखना बीमार होना होता है। स्नान करते देखना व्यवसाय में लाभ होता है। हवालात और जेल आदि देखना मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। हंसते हुए देखना खुशी का प्रतीक होता है। हड्डियां देखना डूबे धन की प्राप्ति होने वाली होती है, यानी जो धन व्यय हो चुका है वो वापस आने की संभावना बनती है। हत्या देखना परेशानी होना होता है। हरी फुलवारी देखना धन जन वृद्धि होती है। हरी फुलवारी देखना तो धन जन वृद्धि का मतलब परिवार बढ़ने वाला है, हंसी खुशी परिवार बढ़ने वाला है। हाथी देखना व्यवसाय में वृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से कुछ स्वप्नों के फल थे, स्वप्न शुभ और अशुभ फल थे जो आपको मैंने बताए। इसी प्रकार से दोस्तों ये स्वप्नों के फल जो है अनेक अलग अलग यानी कि रात्रि के अलग अलग प्रहर पर इनका अलग अलग फल मिलता है। जैसे कि मैंने आपको कहा सूर्य देखे कुछ पूर्व अथवा ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 3:30 से लेकर के 6:30 बजे तक जो है ब्रह्म मुहूर्त रहता है, इसके बीच में यदि स्वप्न देखे गए
तो उनका फल जो है तुरंत या 10 दिन के भीतर भीतर मिल जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए जो स्वप्न होते हैं शकुन, उनका शुभ फल या फिर अशुभ फल तुरंत मिलता है। रात्रि के प्रथम पहर में, यानी कि रात्रि का जो प्रथम पहर होता है लगभग कोई 6 से लेकर के 7:30-8 बजे तक के सपने जो होते हैं वो 1 वर्ष के भीतर फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से रात्रि के दूसरे पहर में यानी कि 10-10:30 बजे तक के जो होते हैं वो फल 6 महीने के भीतर प्राप्त होते हैं। और तीसरे पहर में यानी कि रात्रि के 12:11 से लेकर के 12:30-1 बजे तक के सपने जो है वो 3 महीने के भीतर आपको प्राप्त होते हैं। रात्रि के जो ये तीसरा पहर है 12:01 बजे तक का, और उसके बाद में 3 बजे तक का जो होता है रात्रि के अंतिम पहर, इसे कहा जाता है, ये 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से दिन में अगर स्वप्न देखें तो वो विश्वसनीय नहीं होते, यानी कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये इस तरीके से स्वप्नों का फल था जो आप तक हमने पहुँचाया वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। सो आपको अगर ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आगे, बहुत आगे सभी को जो है शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, प्लेटफॉर्म पर यानी कि जो हमारे सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप आदि जो स्थान है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। सो प्लीज़ चैनल डू दिस चैनल सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स तुरंत मिलती रहे और आप देख पाएं हमारे वीडियो को सबसे पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे और भी हम जो है वीडियोस पर, जैसे अंगों पर छिपकली का गिरना, कभी छिपकली गिर जाए, इस तरीके से शरीर में दिल और अंगों का फड़कना, इस तरीके की वीडियोस जो है आपको आगे मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, श्री राम, जय जय राम, जय।